हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू इजी कुक शो। आज हम बनाएंगे बहुत ही टेस्टी और हेल्दी मशरूम प्याज की सब्जी। मशरूम की सब्जी बनाने के लिए सबसे पहले मैंने यहाँ पे 250 ग्राम मशरूम लिया है। इसे अच्छे से हम धो लेंगे, उसके बाद इसकी कटिंग करेंगे। तो मैं यहाँ पे मशरूम को इस तरीके से लंबे लंबे शेप में कट कर रही हूँ। आप चाहो तो बीच से स्लाइस करके भी इसे पतले पतले शेप में भी काट सकते हैं, लेकिन आप मशरूम को थोड़ा मोटा ही काटें, क्योंकि जब हम इसे पानी में कुक करेंगे तो ये थोड़ा सा सिकुड़ता है, तो आप इसे बड़ा बड़ा शेप में ही कट करें। मैंने यहाँ पे गैस पे पहले से एक बर्तन में पानी को चढ़ा के रखा था। पानी जब गर्म हो जाए तब हम इसमें कटिंग किए हुए मशरूम को डाल देंगे और 5 मिनट तक इसे कुक करेंगे। मशरूम पानी में जाने के बाद थोड़ा सा चिमड़ा हो जाता है और हल्का सा सिकुड़ भी जाता है, आप देखिए। इसलिए इसे हम 5 मिनट पानी में कुक करेंगे मीडियम फ्लेम पे, ताकि ये आधा कुक हो जाए और हमें फिर बाद में सब्जी बनाने में ज़्यादा टाइम ना लगे। तो यहाँ पे 5 मिनट हो गया और हमारा मशरूम जो वो हाफ कुक भी हो चुका है, और देखिए कितना कम हो गया है, सिकुड़ गया है पानी में जाने के बाद। तो इसे हम पानी से छान के निकाल लेंगे। और साथ ही मैं यहाँ पे मशरूम और प्याज बना रही हूँ, तो मैं यहाँ पे स्प्रिंग अनियन का यूज़ कर रही हूँ। स्प्रिंग अनियन के व्हाइट वाले पार्ट को इस यहाँ और ग्रीन वाले पार्ट को, दोनों पार्ट को अच्छे से चॉप करके अलग अलग कर लिया है। अब हम गैस पे कढ़ाई चढ़ाएंगे, इसमें डालेंगे सरसों का तेल। मैंने यहाँ पे 1 बड़ा चम्मच सरसों का तेल डाला है। आप सब्जी को सरसों के तेल में ही बनाएं, इससे फ्लेवर काफ़ी अच्छा निखर के आएगा। लेकिन सरसों के तेल को जब भी आप गर्म करें तो इसे बहुत अच्छी तरीके से गर्म करें, ताकि इसमें जो झसीलापन होता है वो दूर हो जाए। जब तेल गर्म हो जाए तब हम इसमें डालेंगे 1 टीस्पून जीरा, 1 तेज़पत्ता और 1 लाल मिर्ची। मैंने ब्रेक करके दोनों को डाल दिया है। अब हम अच्छे से चटकने देंगे। जब हमारा चटक जाएगा तब हम इसमें डालेंगे 1 इंच अदरक का टुकड़ा चॉप किया हुआ। आप चाहो तो लहसुन का टुकड़ा भी इसमें डाल सकते हैं चॉप करके, या फिर बाद में लहसुन का पेस्ट भी ऐड कर सकते हैं। अदरक डालने के बाद हम इसमें डाल देंगे प्याज का व्हाइट वाला पार्ट जो चॉप करके हमने रखा था। मैं यहाँ पे 2 मीडियम साइज़ के प्याज का यूज़ कर रही हूँ। प्याज डालने के बाद हम इसे अच्छे से चलाएंगे और मीडियम फ्लेम पे धीरे धीरे प्याज को हम कुक करेंगे। तेज आंच पे हम प्याज को कुक नहीं करेंगे, नहीं तो ये जल जाएगा। धीमे धीमे आंच पे प्याज को कुक करेंगे, इससे इसका फ्लेवर भी काफ़ी अच्छा आएगा और प्याज जो है वो अच्छा सुनहरे रंग का भी हो जाएगा। जब 3 से 4 मिनट के बाद प्याज का कलर आप देखोगे कि चेंज होने लगा है, तब हम इसमें डाल देंगे 1 मीडियम साइज का टमाटर। ये मैंने चॉप करके डाला है, आप चाहो तो टमाटर की प्यूरी भी इसमें डाल सकते हैं। टमाटर डालने के बाद हम टमाटर और प्याज दोनों को अच्छे से मीडियम फ्लेम पे पकाएंगे। इसमें मैं यहाँ पे डाल रही हूँ नमक, ताकि नमक डालने से जो टमाटर और प्याज है वो जल्दी से गल जाते हैं, सॉफ्ट हो जाते हैं। तो मैं यहाँ पे 1 चम्मच नमक का यूज़ कर रही हूँ, आप अपने अकॉर्डिंग नमक डाल सकते हैं। अब इसे धीरे धीरे हम चलाते हुए कुक करेंगे। तो यहाँ हमारा 3 से 4 मिनट हो गया, देखिए प्याज भी सॉफ्ट हो गए हैं और टमाटर भी पूरी तरीके से घुल चुके हैं। अब हम इसमें डालेंगे मसाले। मसाले में सबसे पहले मैं इसमें ऐड कर रही हूँ लहसुन का पेस्ट 1 टीस्पून, हल्दी पाउडर 1 टीस्पून, काली मिर्ची का पाउडर 1/2 टीस्पून, धनिया पाउडर 1 टीस्पून, धनिया पाउडर आप थोड़ा ज़्यादा डालें, लाल मिर्ची का पाउडर 1/2 टीस्पून। यहाँ पे मिर्ची बहुत तीखा है तो मैं 1/2 टीस्पून ले रही हूँ। आप अगर थोड़ा ज़्यादा तीखा पसंद करते हैं तो आप इसमें ज़्यादा डाल सकते हैं। और साथ ही हम रेस्टोरेंट वाले थोड़ा सा फ्लेवर के लिए इसमें ऐड करेंगे कस्तूरी मेथी। तो मैंने यहाँ पे थोड़ा सा कस्तूरी मेथी को हाथ से क्रश करके डाल दिया है। अब इसमें हम थोड़ा सा पानी डाल देंगे और अच्छे से मसालों को भूनेंगे। मसाला भूनने टाइम आप गैस के फ्लेम को लो रखें, ताकि आपके मसाले जले ना और धीरे धीरे अच्छी खुशबू के साथ आपकी मसाले जो है वो कुक होते जाएं। जब हमारा मसाला हाफ कुक हो जाएगा तब हम इसमें डालेंगे गरम मसाला पाउडर 1 टीस्पून। मैं इसमें सारे मसाले बहुत ही बेसिक डाला है, जो कि सभी के घरों में अवेलेबल होता है। बस यहाँ पे आपको मसाले को अच्छे से धीरे धीरे टाइम देते हुए भूनना है, ताकि जो फ्लेवर आए मसालों का वो एकदम रेस्टोरेंट की तरह सब्जी खाने में आपको लगे। मेरा यहाँ पे मसाला को भूनने में 5 मिनट हो गए हैं और मसालों का कलर भी चेंज होने लगा है, देखिए बिना कलर का है। इसमें कितना अच्छा कलर आ रहा है मसालों का।
और प्याज और टमाटर भी पूरी तरीके से पक चुके हैं। अब हमें इसमें डालना है मशरूम, जो कि मैंने पानी से निकाल के रख लिया था। मशरूम डालने के बाद हम ज़्यादा कुछ नहीं करेंगे, इसे एक से दो मिनट और कुक करेंगे। इसी बीच में हम इसमें डालेंगे स्प्रिंग अनियन का जो ग्रीन वाला पार्ट था हमारा वो, और ये डालने के बाद हम दो मिनट और अच्छे से सब्जी को चलाएंगे। आप चाहो तो मशरूम की सब्जी ऐसे भी खा सकते हो सूखा, क्योंकि मशरूम हमारा ऑलरेडी कुक था पानी में। या फिर आप ग्रेवी के साथ खाना चाहते हैं तो इसमें पानी भी ऐड कर सकते हैं। तो यहाँ पे हमारा सब्जी भून के अच्छे से रेडी है। तो इसमें ग्रेवी के लिए मैं ऐड कर रही हूँ एक कप पानी, ताकि आप इसे कोई भी रोटी नान पराठा के साथ इजली खा सके। पानी डालने के बाद हम इसे चलाएंगे और ढककर मीडियम फ्लेम पे 5 मिनट के लिए और कुक करेंगे, ताकि जो ग्रेवी की कंसिस्टेंसी है वो थोड़ी सी गाढ़ी हो जाए और सब्जी हमारा काफ़ी अच्छा लगे खाने में। तो 5 मिनट के बाद देखिए यहाँ पे सब्जी का जो हमारा ग्रेवी है वो थोड़ा सा गाढ़ा हो गया है और काफ़ी अच्छा लग रहा है यहाँ पे सब्जी देखने में। तो यहाँ पे हमारी सब्जी रेडी है। गैस के फ्लेम को हम ऑफ करते हैं और इसे सर्व करते हैं। आप इसे किसी के साथ भी सर्व करें, सभी के साथ खाने में अच्छी लगती है। अब इस पे हम हल्का सा स्प्रिंग अनियन डाल देंगे ऊपर से, ताकि और भी यम्मी लगे खाने में। तो बहुत ही कम समय में हमारी ये मशरूम की सब्जी बनके तैयार है। आई होप आपको मेरा ये वीडियो ज़रूर पसंद आया होगा। अगर आपको मेरी रेसिपीज अच्छी लगती हैं तो मेरे चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। मैं आपके साथ मिलती हूँ एक नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।